हेलो दोस्तों, तो आज मैं लगाने वाला हूँ बाइसेप्स एंड एब्स वर्कआउट और लास्ट में मैं एब्स का ट्रेडमिल लूँगा यानी कार्डियो। यानी मैं आज बाइसेप्स एब्स और कार्डियो करने वाला हूँ। तो बाइसेप्स में मैं सबसे पहले ले रहा हूँ बाइसेप्स बारबेल कर्ल। जो मैं बारबेल यूज किया हूँ वो है ओलंपिक बार। तो यहाँ पर मैं वार्म अप सेट लगा रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं वार्म अप सेट का 15 रेपिटेशन लिया हूँ। उसके बाद मैं इसमें 5 kg ऐड किया हूँ और फिर 5 kg ऐड करके मैं यहाँ पे 10 रेपिटेशन लूँगा। तो यहाँ पे आप पोस्चर देख सकते हो मेरा, मैं एल्बो को लॉक रखा हूँ और बस एल्बो फ्लेक्शन कर रहा हूँ, शोल्डर का मूवमेंट नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोग भी बस एल्बो का फ्लेक्शन करें, शोल्डर मूवमेंट ना करें। अगर आप ज़्यादा हैवी वेट जाते हो तो हैवी वेट में हल्का आप लेग से जर्क ले सकते हो, लेकिन आप ये ध्यान रखें आपके शोल्डर यूज नहीं होने चाहिए, बस आप लेग का सपोर्ट ले सकते हो। तो इसके हम लोग लेंगे 3 सेट और हर सेट में वेट को इंक्रीज करते जाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी सेट लगा सकते हो, 5 सेट भी ले सकते हो, 6 सेट भी ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं हैवी वेट लिया हूँ तो थोड़ा लेग का यूज कर रहा हूँ जर्क करके, लेकिन शोल्डर का कोई मूवमेंट नहीं कर रहा हूँ, बस लेग से जर्क ले रहा हूँ ताकि मैं इजीली लिफ्ट कर सकूँ। तो बाइसेप्स बारबेल कर्ल के बाद मैं यहाँ पे हैमर कर्ल ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं स्टार्ट किया हूँ हैवी वेट से और मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर पे जाऊँगा। तो यहाँ मैं स्टार्ट किया हूँ 40 kg से, तो 40 kg है तो मैं यहाँ पे थोड़ा लेग से जर्क ले रहा हूँ। जैसे कि आपको मैं बोला था कि हैवी रहे तो आप लेग से जर्क ले सकते हैं लेकिन शोल्डर का मूवमेंट ना करें। तो 40 kg के बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट लिया हूँ वो है 30 kg। तो इसके मैं ले रहा हूँ 5 रेपिटेशन दोनों साइड से, यानी दोनों साइड से मैं 5 5 रेपिटेशन लगा रहा हूँ। तो मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले रहा हूँ, जैसे कि मैं पहले 40 kg से लिया था और अब मैं 35 kg से ले रहा हूँ। तो 35 kg के बाद मैं यहाँ पे तीसरा सेट लगा रहा हूँ वो है 30 kg। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें और देखें मेरा फॉर्म एंड टेक्निक मैं कैसे कर रहा हूँ और मैं क्या बता रहा हूँ, अच्छे से सुने, मिस ना करें, इसलिए वीडियो में बने रहें। तो 30 kg के बाद मैं यहाँ पे लास्ट रेपिटेशन बढ़ाने के लिए लाइट वेट लिया हूँ जो है 15 kg। ये है हैमर कल का लास्ट सेट। तो 15 kg से मैं दोनों साइड से ले रहा हूँ 10 10 रेपिटेशन। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके YouTube पे आते रहे। तो हैमर कर्ल के बाद मैं यहाँ पे इंक्लाइन बेंच पे कर्ल डंबल कर्ल ले रहा हूँ। आप देख सकते हो मेरा अपर बॉडी इंक्लाइन बेंच पे और मेरा शोल्डर लॉक है, बस मैं एलो फ्लेक्शन कर रहा हूँ, शोल्डर का कोई मूवमेंट नहीं कर रहा हूँ। तो ये आप लाइट वेट से ही लें क्योंकि आप ज़्यादा हैवी वेट से लोगे तो आप के पोस्चर भी कर सकते हैं, इसलिए लाइट वेट से रेपिटेशन ज़्यादा रखें, 10 to 12 रेपिटेशन रखें और वेट आप ऐसा ही लें जिससे आप इजिली कर सकें। तो यहाँ पे मैं 10 kg से स्टार्ट किया था और अब मैं 12.5 kg लिया हूँ सेकेंड सेट में और रेपिटेशन सेम रखूँगा 10 रेपिटेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ मेरा एलो फ्लेक्शन हो रहा है। तो ये है मेरा तीसरा सेट जो मैं 15 kg से ले रहा हूँ। फिफ्टीन के जी थोड़ा हैवी हो गया इसलिए मैं इसमें रेपिटेशन कम कर दिया हूँ, रेपिटेशन 5 रखा हूँ दोनों साइड से। ये हैवी हो जाने के बाद मैं सिंगल सिंगल यूज कर रहा हूँ ताकि इजिली लिफ्ट कर सकूँ। तो इंक्लाइन बेंच पे डंबल कर्ल करने के बाद मैं यहाँ पे ले रहा हूँ प्रीचर मशीन पे प्रीचर कर्ल जो आप देख सकते हो यहाँ पे।
तो यहाँ पे भी मैंने वेट लाइट लगाया और रेपिटेशन ज़्यादा ले रहा हूँ, 15 रेपिटेशन ले रहा हूँ। तो आप लोग भी लाइट वेट लें और 15 रेपिटेशन लें। तो इसके भी हम लोग करेंगे 3 सेट, और हर सेट में वेट को इंक्रीज करते जाएंगे अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। और रेपिटेशन आपको ज़्यादा रखना है इसलिए आप वैसा ही वेट लगाएं जिससे आप रेपिटेशन 12 to 15 निकाल सकें। तो ये हमारा लास्ट सेट, और यहाँ पे मैंने वेट हैवी लगाया तो मैं रेपिटेशन यहाँ पे 12 ही रखूँगा, उससे ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि वेट थोड़ा हैवी हो गया। तो हमारा लास्ट एक्सरसाइज है बाइसेप्स का, वो है रिवर्स कल, और इसके साथ मैं फोर आर्म्स का अल्टरनेट करूँगा, यानी सुपर सेट करूँगा इसके साथ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैं रिवर्स कल से स्टार्ट किया हूँ और इसके साथ मैं फोर आर्म्स का ले रहा हूँ अल्टरनेटिव। तो इसके भी आपको लगाना है 3 सेट, और वेट अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही लें, ज़्यादा हैवी ना लें क्योंकि ये फोर आर्म्स का वर्कआउट है। ज़्यादा आप हैवी लोगे तो फिर आप कर नहीं पाओगे सही से। तो ये है सेकेंड सेट, जैसे कि मैं बताया था कि सुपर सेट है। तो सबसे पहले मैं रिवर्स कर ले रहा हूँ, और रिवर्स कल के साथ मैं फोर आर्म्स का वो पुल कर रहा हूँ। तो ऐसे ही अल्टरनेटिव आपको लेना है 3 सेट, एक रिवर्स कल और एक फोर आर्म्स का सुपर सेट। और रिवर्स कल में भी आपको रेपिटेशन ज़्यादा रखना है इसलिए लाइट वेट नहीं लगाएं, ज़्यादा हैवी ना लगाएं, ऐसा वेट लगाएं जिससे आपके 12 to 15 रेपिटेशन जा सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं लाइट वेट ही यूज किया हूँ और रेपिटेशन ज़्यादा रख रहा हूँ। तो ये है बाइसेप्स का लास्ट एक्सरसाइज, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा एब्स वर्कआउट। तो वीडियो में आप लोग बने रहें, स्किप ना करें, और आप देखें कि मैं एब्स वर्कआउट में क्या क्या कर रहा हूँ। तो ये लास्ट एक्सरसाइज है जो है कॉन्सेंट्रेशन कल, बाइसेप्स के कॉन्सेंट्रेशन कल है। तो इसके भी लेंगे 3 सेट, और यहाँ पे मैं 7.5 kg से स्टार्ट किया हूँ और हर सेट में वेट को इंक्रीज करते जाऊँगा, और रेपिटेशन में रख रहा हूँ इसमें 15 रेपिटेशन। तो दोनों सेट्स आपको 15-15 रेपिटेशन लेना है। और यहाँ पे आप मेरा पोस्चर देख सकते हो, मैं 90 डिग्री पे रखा हूँ शोल्डर को स्ट्रेट लाइन पे, और शोल्डर का मूवमेंट नहीं कर रहा हूँ, शोल्डर को स्ट्रेट लाइन में रखा हूँ। आप देख सकते हो मेरा आर्म्स स्ट्रेट लाइन में, बस नीचे से मैं एल्बो को फ्लेक्शन कर रहा हूँ और फिर एक्सटेंशन कर रहा हूँ, यानी शोल्डर का कोई मूवमेंट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं शोल्डर कोई मूवमेंट नहीं कर रहा हूँ, बस एल्बो फ्लेक्शन कर रहा हूँ। तो आप लोग भी ऐसा वेट लें जिससे आपके शोल्डर मूवमेंट ना हो, बस एलो फ्लेक्शन हो। तो ये हमारा सेकेंड सेट जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 10 kg से वेट बढ़ाया हूँ। आपको भी हर सेट में वेट बढ़ाना है अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। तो सेकेंड सेट में भी आपको 15-15 रेपिटेशन लेना है। तो यहाँ पे आप मेरा पोस्चर देख सकते हो, मैं शोल्डर को 90 डिग्री पर रखा हूँ। तो आप लोग पोस्चर जरूर मेंटेन करें, क्योंकि आप पोस्चर मेंटेन नहीं करोगे तो आपके मसल पे टारगेट नहीं होगा सही से, और आपके मसल पे हाइपरट्रॉफी नहीं होगा जिससे आपके मसल ग्रो नहीं होंगे, और गलत एक्सरसाइज से आपके इंजरी के चांसेस भी हो सकते हैं, इसलिए आप पोस्चर मेंटेन जरूर रखें।
तो ऐप्स के बाद मैं यहाँ पे स्टार्ट किया हूँ ऐप्स वर्कआउट। तो ऐप्स वर्कआउट में मैं सबसे पहले ले रहा हूँ लोअर ऐप्स का, जो मैं केबल से ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हो मैं केबल पे रोप लगाया हूँ, उसको अपने टोज पे लॉक किया हूँ और फिर पुल कर रहा हूँ वेट को। तो इसके हम लोग लेंगे 3 सेट और रेपिटेशन रखेंगे 15-15। तो यहाँ पे आप मैं पोस्चर देख सकते हो, मैं पैर को पीछे लेता हूँ तो बॉडी को भी आगे ला रहा हूँ साथ में, और पैर को आगे करता हूँ तो बॉडी को भी पीछे ले जाता हूँ, यानी अपोजिट डायरेक्शन पे मैं अपर बॉडी को ले जा रहा हूँ लेग से। तो आप लोग भी ऐसे ही करें और केवल पे वेट अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग लगाएं, ज़्यादा वेट ना लगाएं जिससे आप सही से पुल ना कर पाओ। तो इसके आपको लेना है 3 सेट और रेपिटेशन आपको 15 रखना है। तो एब्स का हमारा सेकेंड एक्सरसाइज है, वो है फॉरवर्ड क्रंच, जो मैं केबल से कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पे आप मेरा पोस्चर देख सकते हो, मैं अपर बॉडी को बस रोल करते हुए नीचे ला रहा हूँ, लोअर बॉडी का कोई मूवमेंट नहीं कर रहा हूँ, बस एब्स पे सारा फोकस कर रहा हूँ। एब्स जैसे फॉरवर्ड क्रंच करते हैं, जैसे क्रंच करते हैं, उसी तरह मैं अपर बॉडी को क्रंच कर रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पोस्चर देख सकते हो, मैं लोअर बॉडी का कोई मूवमेंट नहीं कर रहा हूँ, बस अपर बॉडी को रोल करते हुए नीचे ला रहा हूँ। अगर आप लोअर बॉडी को मूव करेंगे तो आपके एब्स पे टारगेट नहीं होगा, इसलिए आप लोअर बॉडी को लॉक रखें, बस अपर बॉडी को ही रोल करें। तो इसके भी हम लोग लेंगे 3 सेट और रेपिटेशन रखेंगे 15 रेपिटेशन हर सेट में। तो आप लोग पोस्चर मेरे अच्छे से देखें और इसको फॉलो करें। तो ये है एब्स का सेकेंड एक्सरसाइज, पहला एक्सरसाइज था आपके लोअर एब्स के लिए और ये है अपर एब्स के लिए। और लास्ट एक्सरसाइज है जो हमारा साइड एब्स के लिए, यानी साइड ऑब्लिक्स के लिए, जो मैं साइड बेंड कर रहा हूँ केबल से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं लोअर बॉडी का मूवमेंट नहीं ले रहा हूँ, बस साइड बेंड कर रहा हूँ, यानी अपर बॉडी को साइड की तरफ कर रहा हूँ और एक साइड मैंने वेट लगाया और उसी वेट को पुल कर रहा हूँ। तो ये है एब्स का लास्ट एक्सरसाइज, आप लोग जरूर इसे फॉलो करें और मेरे पोस्चर को सही से देखें और समझें और उसको सही तरीके से अपने एक्सरसाइज में यूज करें। तो ये था आज का हमारा आर्म्स वर्कआउट, यानी बाइसेप्स वर्कआउट, एब्स वर्कआउट, और ये है लास्ट एब्स वर्कआउट। इसके बाद मैं लूंगा ट्रेडमिल, जो मैं कार्डियो करूंगा 20 मिनट्स का, और स्पीड रखूंगा 4-6। तो आप लोग भी ज़्यादा स्पीड ना रखें, आप लोग ज़्यादा स्पीड रखेंगे तो आपके मसल ब्रेक हो सकते हैं, इसलिए 4-6 तक ही स्पीड रखें, उससे ज़्यादा स्पीड ना रखें, और आपको 20 मिनट करना है। तो ये था आज का हमारा वर्कआउट, आप लोग ज़रूर इसे फॉलो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि न्यू न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहे और मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाते रहूं, इसलिए सपोर्ट जरूर करें। तो आज का एक्सरसाइज खत्म होता है।